अस्सलाम वालेकुम गाइस, रियल प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर राजपूत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डोमिनेशन हाइट्स B17 से रिलेटेड फैसल मारगला सिटी के अंदर जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है उससे रिलेटेड। इससे पहले मैं एक पूरी कंप्लीट वीडियो भी बना चुका हूँ जो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। ये जो प्रोजेक्ट है, मैं इस प्रोजेक्ट को क्यों बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और ख़ास तौर पे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो इस्लामाबाद से रिलेटेड, मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आप डोमिनेशन हाइट्स के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें। जस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तब भी बेहतर है। अगर आप मतलब कि वहाँ पर रिहाइश रखना चाह रहे हैं, फ्यूचर में खुद रहना चाहते हैं, तो बहुत खूबसूरत जगह हैं। खूबसूरत जगह इसलिए है कि आप मेरे पीछे वीडियोस देख रहे हैं, इन वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कितनी प्यारी जगह है। मारगला हिल्स का एक अच्छा व्यू आपको मिलता है, लेक व्यू आपको मिलता है, एक खूबसूरत जगह है। इस्लामाबाद वैसे भी खूबसूरत है लेकिन ये एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ की अगर मैं लोकेशन की बात, तो जहाँ पे ये डोमिनेशन हाइट्स का टावर 1 टावर 2 बन रहा है, तो ये मेन एरिया है। इससे अगर मैं बात करूँ तो GT रोड बिल्कुल 1 मिनट की मुसाफत के ऊपर है। इसी तरीके से मेन मोटरवे के इंटरचेंज जो अभी मतलब कि अप्रूव्ड होने वाला है, जैसे ही इंटरचेंज अप्रूव्ड होगा जस्ट 1 मिनट की मुसाफत के ऊपर आपको मोटरवे इंटरचेंज मिल रहा होगा इस्लामाबाद मोटरवे का। दूसरी बात है, मारगला एवेन्यू बनने वाला है बहुत जल्द। जैसे ही मारगला एवेन्यू बन जाता है तो 3 रोड मतलब कि टच करेंगे डोमिनेशन हाइट्स को, तो इस लिहाज से इसकी लोकेशन बहुत प्राइम होती है। जैसे कि मैं डिफरेंट प्लेसेस पे काम करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं वहाँ का लीगल स्टेटस ज़रूर चेक करूँ कि जो जो ज़मीन है उसका लीगल स्टेटस क्या है और जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका लीगल स्टेटस क्या है। ऐसा ना हो कि कल हम क्लाइंट्स को इन्वेस्ट कराएं और कल क्लाइंट्स हमारा परेशान हो, तो उसके लिए क्या चीज़ है। देखें, ये जो प्रोजेक्ट चौधरी अब्दुल मजीद साहब का है और चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रीवियस जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ डेवलपर मार्केट में ऐसे होते हैं जिनका आप जस्ट नाम लो ना मार्केट के अंदर तो अगले कहते हैं कि भाई सही है, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा। तो चौधरी अब्दुल मजीद का इसी तरीके से मार्केट के अंदर नाम है। इससे पहले इनके बहुत शानदार किस्म के प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में आ चुके हैं जिनके मैं नाम आपको बता देता हूँ, जिसमें फैसल मारगला सिटी है, फैसल मारगला हिल्स है, फैसल रेजिडेंशिया है। इसी तरीके से काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने डिलीवर किए हैं लोगों को। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये भी यहीं पे लोकेटेड है, तो इस लिहाज से ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। दूसरी बात आ जाती है, ये RDA से कंप्लीट अप्रूव्ड है। एक बात है कि यहाँ पे जिस तरीके से मतलब कि डोमिनेशन हाइट्स में आपको टावर 1 टावर 2 के अंदर आपको अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं, अपार्टमेंट्स में 1 बेड अपार्टमेंट्स है, 2 बेड अपार्टमेंट्स है, तो ये आपके लिए एक रेजिडेंशियल प्योर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है, इसमें कमर्शियल शामिल नहीं है। कमर्शियल के लिए इनका अपना एक और प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो डोमिनेशन आर्केड के नाम से, जो बिल्कुल इसके फ्रंट के ऊपर है और उसके अंदर डिफरेंट कमर्शियल्स हैं आपके ऑफिसेज के लिए, ये शॉप्स के लिए, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर डिस्कस करूँगा। तो इसलिए आज से ये जिस तरीके से प्योर कमर्शियल है तो यहाँ पे लोगों को इंश्योरेंस चाहिए होती है, तो कंप्लीट लाइफ इंश्योरेंस से कंप्लीट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो मतलब कि आपको मतलब कि आने वाले फ्यूचर के अंदर एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे मिल रही है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट सिक्योर होकर डोमिनेशन हाइट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिगिंग की सूरत हाल भी देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी बड़ी तेज़ी से वहाँ पे जारी है, जिसमें मतलब कि पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था और उस वीडियो के ज़्यादा महीने ने 2 से 3 महीने अप्रॉक्सीमेटली तो मैंने आपको बताया था कि जो टावर 1 है उसके 2 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं, 3rd फ्लोर पर काम चल रहा है और जो टावर 2 है उसकी मतलब कि बेसमेंट पर काम, टावर 1 की बेसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है और 3 फ्लोर भी कंप्लीट हो चुके हैं, उसके ऊपर भी अभी काम ईजीली और बड़ी तेज़ी से जारी है। तो इस लिहाज से जो लोग बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, जिन लोगों का बजट है, जो लोग मतलब कि चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद में रिहाइश रखें और एक अच्छी पोजीशन के ऊपर रिहाइश करें, तो मेरे नज़दीक आपके लिए डोमिनेशन हाइट्स एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। यकीनन आप पूरे पाकिस्तान से, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से कहीं से भी बुकिंग करवाना चाहते हैं डोमिनेशन हाइट्स के अंदर, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट मालूमात ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपको प्रॉपरली गाइड कर सकें। तो मेरी कोशिश होती है कि हम अच्छे और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स आपसे शेयर करते रहें ताकि आपको ये मालूमात घर बैठे मिल सके। तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद वीडियोस भी हम आपसे डिस्कस कर सकें। अभी मैं इसके पेमेंट प्लान की गाइस तो आगे बात कर लेता हूं पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान में अगर सिंपल बात करूं, 1 बेड अपार्टमेंट 562 स्क्वायर फुट का है, 2 बेड अपार्टमेंट 954 स्क्वायर फुट का है, इसी तरीके से 3 बेड अपार्टमेंट 1282 स्क्वायर फुट का है। आप रेट्स आप इनके कंप्लीटली देख सकते हैं। बुकिंग 20% से है, 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, ऑन पोजेशन 21% है। आप वीडियो को यहीं पर रोक के आप तमाम मालूम देख सकते हैं, नंबर पर रबता करके मजीद मालूम भी ले सकते हैं। आगे अगर मैं बात कर लेता हूं एग्जीक्यूटिव प्लान की, उसके अंदर जो बुकिंग है 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स की सेम इसी तरीके से 562 स्क्वायर फुट का 1 बेड अपार्टमेंट है, 954 का 2 बेड अपार्टमेंट है। 1 बेड अपार्टमेंट की जो बुकिंग है वो 11,74,000
580 रुपये से है। 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आपको पेड करनी है। इसी तरीके से नीचे अगर मैं बात करूं तो 58,72,900 रुपये में आपको पड़ेगा वन बेड अपार्टमेंट। टू बेड अपार्टमेंट आपको पड़ेगा 99,69,300 रुपीज़ के अंदर। इसकी जो मतलब कि 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है 367,617 रुपये आपको पेड करनी है। मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो इसमें आपको अमाउंट किस तरीके से पेड करनी होगी, क्या परसेंटेज उसकी बनती है, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखें 59% तो इंस्टॉलमेंट में आपको अमाउंट देनी है, बुकिंग पे 20% देनी है और 21% ऑन पोजीशन आपको पेड करनी है। इस तरीके से आप डोमिनेशन हाइट्स के अंदर अपने अपार्टमेंट के मालिक बन सकते हैं। जैसा कि आपने कंप्लीट देखा, पेमेंट प्लान्स भी आपने रीड कर लिया एग्जेक्टिव का और नॉर्मल फ्लोर्स का। तो अभी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर बुकिंग करवाएँ, अच्छा ऑप्शन है। उम्मीद है मैं गाये बगाये वीडियोस बनाते रहता हूँ, ठीक एक साल के बाद अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी 1 से 6 माह के बाद या साल के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको मैंने आज से 6 माह पहले 1 साल पहले बोला था कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं वहीं पे बोलता हूँ जहाँ मैं ख़ुद प्लॉट ख़रीद सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ ख़रीदूँ और इंशाल्लाह मैं ख़रीद रहा हूँ इसी वजह से कि ये प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगता है। इसकी लोकेशन अच्छी है, प्राइम लोकेशन है, बेहतरीन लोकेशन है, तो इस लिहाज से आप भी बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छी लोकेशन में अच्छी ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं और एक बेहतरीन व्यू भी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आज मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। रियल प्रॉपर्टी देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हामी नासिर हो।